सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पिछले 20 जनवरी को पलामू जिले में चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा कब्रिस्तान के समीप अरहर के खेत से बरामद सिर कटे शव मामले के रहस्य पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरह से पर्दा उठा दिया। पति बसंती देवी ही हत्यारे निकली और उसने अपने दो भाइयों और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पति दशरथ साव की नृशंस हत्या कर दी थी। उसने पति के सर को धड़ से ही अलग कर दिया था, जिसे पुलिस ने निशानदेही पर धड़ के बरामदगी स्थल से करीब 100 मीटर दूर से बरामद किया। वहीं चैनपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 23/2020 के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित पुलिस छापामार दल ने मृतक की पत्नी अभियुक्त बसंती देवी के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीन और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सफलतापूर्वक मामले का उद्भेदन कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में उसके भाई लक्ष्मण प्रसाद और अनिल उरांव उर्फ नेपाली हुनरू लातेहार निवासी, जबकि तीसरा अभियुक्त भी लातेहार थाना क्षेत्र के केडू गाँव का रहने वाला है। पुलिस ने खून लगा हुआ पत्थर और टांगी के अलावा खून से सना हुआ लाइनदार बेडशीट भी बरामद कर लिया। इसके अलावा पूर्व में जब्त सामानों की पहचान मृतक के लड़के मोनू कुमार से कराया गया। डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने आज अपनी कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या का कारण यह है कि पत्नी जादू टोना और झाड़फूंक कार्य के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहती थी और यह पति दशरथ साहब को नागवार गुजरता था और दोनों के बीच तनातनी भी होती रहती थी। इस पर पूर्व में भी पत्नी और उसके भाइयों का पति के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बसंती देवी ने यह अनैतिक कदम उठाते हुए पति पत्नी के बीच की मर्यादा की सारी सीमा लांघते हुए हत्याकांड को अंजाम दिया। डीएसपी ने कहा कि सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दिनांक 20/1/2020 को हम लोग को शाम को सूचना मिली थी कि एक अननोन डेड बॉडी चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा कब्रिस्तान के पास पड़ा हुआ है। जो हम लोग सूचना का सत्यापन करते हुए गए वहाँ, तो हम लोग देखे कि वहाँ पे केवल धड़ था और उसका सर वहाँ पे नहीं था। हम लोग फिर आसपास के एरिया को सर्च भी किए, फिर हम लोगों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है जिसका नाम दशरथ साहब है वो सुबह से लापता है। फिर हम लोग उसकी पत्नी को बुलवाए थाने पे, फिर जब उससे पूछताछ किए तो पूछताछ के दौरान ये क्लियर हुआ कि वो जो डेड बॉडी जिसका हम लोग को मिला था उस कब्रिस्तान के पास में, वो डेड बॉडी दशरथ साहब का ही था। और पूछताछ के क्रम में उसकी पत्नी ने ये बताया कि उसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। फिर बाद में उसकी निशानदेही पे हम लोग घटनास्थल पे गए और वहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर झाड़ी के पास उस मृतक का सर बरामद हुआ। और साथ ही साथ घटना प्रयुक्त करने के लिए जो टांगी और चाकू का यूज किया गया था सर काटने के लिए, वो सारा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और घटनास्थल पे जो अभियुक्त हैं, चार अभियुक्त हैं जो घटना में शामिल थे, उनके द्वारा जो कपड़े यूज किया गया था, जो कपड़े वो पहने हुए थे, बहुत सारे जो महिला का ज्वेलरी भी मिला हम लोगों को वहाँ पे घटनास्थल पे। हत्या का मूल कारण क्या था? हत्या के पीछे का कारण ये था कि जो मृतक है उसकी पत्नी जादू टोना और झाड़ू का काम किया करती थी और इसी सिलसिले में वो अक्सर घर से बाहर रहते थे, तो मृतक को ये पसंद नहीं था और इन लोगों के बीच आपस में हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता था इस बात को लेकर के। और पहले भी मृतक की पत्नी ने अपने भाइयों के सहयोग से इनके साथ मारपीट भी किया था, लेकिन अभी तत्काल जो घटना है उसमें भी मृतक की पत्नी और उसके भाइयों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और घटना के पीछे का रीजन वैसे वही है कि परिवार के बीच आपस विवाद चल रहा था